हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के पिछले वीडियो में हमने मैथ की एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर लिया था। अब अगली एक्सरसाइज देखेंगे 1.5। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो हम एक बार जानते थे परिमेय संख्या ऐसी संख्याएँ जो हमारी पी बट्टे क्यू के रूप में लिख जाएँ या लिखी हों, वो कहलाती थी आपकी परिमेय संख्याएं। और जो संख्या पी बट्टे क्यू के रूप में ना लिखी हो और ना ही लिखी जा सके, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 - √5। तो ये आपकी ये वाली संख्या तो परिमेय है और ये √5 अपरिमेय है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो दो एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो योगफल हो चाहे अंतर हो आपका अपरिमेय होता है, हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड लिखा हुआ है 3 + √23 - √23। तो इससे पहले थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा 3 + √23 और माइनस का √23, और इसी ये कैंसिल हो जाएगा, आपका केवल 3 बचेगा और जो ये आपकी परिमेय संख्या है। तो ये भी आपकी संख्या कैसी हो गई परिमेय। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखते हैं, ये लिखा हुआ है 2 √7 और 7 √7। तो इसमें देखेंगे अब इसी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा केवल 2/7। तो ये आपकी कैसी हो जाएगी परिमेय संख्या, पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका चौथा, ये लिखा है 1/√2। अब अंश में तो एक पूर्णांक है लेकिन हर में पूर्णांक तो नहीं है, तो ये पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी है, तो आपका ये कैसे हो जाएगी अपरिमेय संख्या। पांच नंबर देखते हैं, आपका लिखा है 2π। हम जानते हैं पाई एक कैसी है अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2π भी कैसी हो जाएगी अपरिमेय संख्या में किसी का भी गुणा कर दे तो क्या कहलाती है वो आपकी, ये आपकी दो तो परिमेय है और पाई अपरिमेय है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय देख। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, ये लिखा है 3 + √3 और 2 + √2। तो इसका हमें क्या करना है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, इसे सरल करना है, मतलब हमें इसका गुणा करना पड़ेगा। जब गुणा करते हैं तो इसमें भी दो संख्याएं लिखी हुई हैं कोष्ठक के अंदर और इसमें भी दो संख्या कोष्ठक के अंदर लिखी हुई हैं, तो पहली वाली संख्या का पहली वाली में करेंगे फिर पहली वाली का ही दोबारा से दूसरी में करेंगे, तो पहले 3 × 6 हो जाएगा और फिर इसमें करेंगे तो आपका 3 √2 हो जाएगा। अब दोबारा से आप दूसरी वाली संख्या का पहली वाली में करेंगे प्लस लगा के, तो ये हो जाएगा 2 √3 और ये इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा √3 × √2। अब इससे देखो ये जुड़ने वाले तो है नहीं, यहाँ √3 है और यहाँ √2 है, तो जुड़े नहीं, तो ऐसे लिख देंगे 6 + √3 + √2 + √3 प्लस ये गुणा करेंगे तो अंदर हो जाएंगे √6।
अगला देखते हैं इसका दूसरे का सेकंड क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है 3 + √3 और ये लिखा हुआ है 3 - √3। वही काम, इसका भी हमें गुणा करना पड़ेगा। तो पहले 3 का इसमें करेंगे और फिर 3 का ही इसमें करेंगे। तो 3 * 9 और 3 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 3 √3। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 3 √3 आ जाएगा और इसका इसका करेंगे तो माइनस का √3 और गुणा √3। ये क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गया और यहाँ बचा 9 माइनस और √3 √3 इसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी इसका मतलब √3 का स्क्वायर, इसलिए कट जाएगा, केवल 3 बचेगा। तो ये 3 बचा और 9 में से 3 गए तो 6 बचे। अब दूसरे का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है √5 और √2 का होल स्क्वायर। कभी भी हमने घातांक के नियम में आगे अभी पढ़ेंगे अच्छी तरह से, आगे आएगा। अगर एक पर 2 की घात लिखी तो इसको हम a गुणा a लिख सकते हैं, ऐसे ही इसको हम दो जगह लिख दे रहे हैं, √5 + √2 और गुणा करके लगा देंगे √5 + √2। तो इसको हमने एक कोष्टक में यहाँ लिख लिया और एक कोष्टक में यहाँ लिख लिया। अब आगे देखते हैं, अब इसका उसी तरह से गुणा करेंगे, √5 का √5 में गुणा करेंगे पहले, तो √5 × √5 + अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो √5 × √2 और प्लस, यानी इसका तो हमने दोनों में कर लिया, अब इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा और फिर प्लस का √2 √2। अब देखते हैं क्या होता है, तो √5 √5 इस तरह से केवल 5 हो जाएगा और प्लस का ये √5 × 10 हो जाएगा प्लस का, और ये √10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो ये 2 और 5 कितने हो गए, 7 और प्लस का 2 √10। ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका चौथा देखते हैं, दूसरे का चौथा। ये लिखा हुआ है √5 - √2 और इसमें √5 + √2। उसी तरह से गुणा करेंगे, अब √5 को गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा आपका और इसमें करेंगे तो प्लस का √10 आ जाएगा, और जब इसका इसमें करेंगे तो 2 × 2 = 10, तो माइनस का √10 आ जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से है, ये बचेगा 5 - 2 और 5 में से 2 गए तो आपके कितने बचे, 3।